हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हमको जाना है कुछ बाहर। चिकू और मुझे बिजनेस मीटिंग के रिलेटेड कहीं हमको बाहर जाना है, तो अब कहाँ जाना है ये तो मैं नहीं बता सकती, पर चिकू अभी रेडी हो रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी, जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी मैंने मिल्क वगैरह ठंडा कर दिया, चलो लेके आते हैं। पर आपको मैं यहीं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए मैं और चिकू कंप्लीट रेडी हो गए और बस निकल रहे हैं ये। और अभी बारिश में हो रहे पैर गीले, और क्या मौसम हो रहा है बाहर का, आप मौसम देख सकते हो, और क्या मस्त पक्षियों की आवाज़ आ रही है। बस अब हम भी निकलते हैं, हमारी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभी हमने हाईवे पकड़ लिया है और हम दोनों कंप्लीट रेडी होके निकल चुके हैं। हाईवे पकड़ लिया है तभी मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली क्या, हम निकल रहे थे तो जल्दी जल्दी मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, ये हो जाएंगे लेट इसीलिए। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा हाईवे है कितना बढ़िया, और बस ये बिज़नेस की मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। और वेदर हो रहा है काफ़ी अच्छा और पूरी रात गिरी है बारिश, तो रोड वगैरह तो सब गीली है, पर बारिश अब फाइनली स्टार्ट हो गई है। काफ़ी लेट आया मानसून पर आ गया, और अब अच्छे से गिरे बारिश, यही आशा है बिगर किसी हानि के। शानदार को रहा है यार, कैमरे में तो आ ही नहीं रहा इतना, पर क्या गजब का व्यू है। मस्त चकाचक व्यू है, जोरदार दिख रहा है यार, मजा आ गया देख के। ये उदयपुर में हमारे फेवरेट घरों में से एक घर है जो कि हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा ऊपर करो, क्या शानदार बना हुआ है, और कुल मिला के ये पूरा वाइट है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे और चिकू को वाइट और ब्लैक ये दो ही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती, अगर इन ये दोनों कलर में कोई भी चीज़ है तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि जितना सोबर होता है ना उतना मुझे और चिकू को यानी अट्रैक्ट करता है, ऐसा है। बस यही है अभी का ज्ञान, तो चलिए अब आगे। पूरे आ गए हैं बादल नीचे, और चारों तरफ इतनी धुंध है कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, पर बादल काफ़ी नीचे आ गया है अगर ये कैमरे में आपको दिख रहा होगा तो। क्या गजब का लग रहा है ये पूरा, ये इधर बादल इतने तक आया हुआ है, चारों तरफ फैली हुई है धुंध धुंध की धुंध। अरे यार शानदार शानदार व्यू है ये, इस पहाड़ पे देख तो फोटोग्राफी हो रही है। हाँ, ये रुक के फोटोग्राफी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। क्या गजब लग रहा है यार, आज तो तुमको यानी रोड ट्रिप पे निकले ऐसा लग रहा है ऐसे मौसम में, कि इस बादल इस पे पूरे कितना शानदार लग रहा है, आगे रोड यानी कितना और कितना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ पूरा ढक चुका है, यानी पूरा धुंध है, पूरा धुंध ही धुंध है। टनल में नहीं नहीं सब होते तो मजा आता है, साथ में अकेले अकेले नहीं आ रहा है। यहाँ खत्म तुम, ओ हाँ फॉग खत्म, उधर से पहाड़ ज्यादा थे आई थिंक। Thank you.
ऑरेंज कलर की है। रास्ता है काफ़ी लंबा, तो मैं तो थक गई हूँ क्योंकि सुबह उठ गई थी जल्दी, तो मुझे आ रही है नींद और मैं सो रही थी। चिकू बेचारे के चला रहे गाड़ी। और मैंने भी एक चुटकी ले ली। ले ली कब ली? चलते 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 कैसे ले सकते हो? तो सोने का समय हो गया ख़त्म क्योंकि मुझे सोना था, तो सोने मिला नहीं। कॉल्स आ रहे थे, कहीं जाते तो भी यार शांति नहीं है एक थोड़ी भी एक दिन ऑफ रही यानी मेरी खैर निकल जाती है। और बहुत अच्छा मौसम है, इतना एंजॉय यानी थरली एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। सबसे मेन चीज़ हमको बारिश नहीं मिली है कहीं पर भी। खुल मौसम बंद बंद है पर काफ़ी सुहावना मौसम है ऐसा कह सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा और जैसे कि चिकू थक गए हैं तो चिकू कर रहे हैं रेस्ट। मैंने कर लिया पर करने मिला नहीं, पर कोई बात नहीं चिकू को करने देते। ड्राइवर साहब को पूरा रेस्ट करवाना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी कौन चलाएगा वापस? हमको तो आती नहीं, आती है तो भी चलाने देते नहीं है, तो ये रेस्ट करने देते हैं। और भूख भी लग रही है तो कुछ अच्छा देखते हैं यार। मैं सर्च करती हूँ यहाँ पर बढ़िया कोई रेस्टोरेंट हो नियरली कहीं पास पास। अच्छा हम आए थे भीलवाड़ा और यहाँ पर थी एक ब्रांड की मीटिंग और वो ब्रांड अभी न्यू आने वाली है, तो जैसे ही आती है आपको तो पता चल ही जाएगा अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हो तो। और हमने अभी मीटिंग कंप्लीट, अभी 4:30 बज रही हैं, हम निकल गए हैं यहाँ से और हम अब डायरेक्ट सीधे जाएंगे उदयपुर। उदयपुर में है कुछ काम, उदयपुर का काम निपटा के फिर चलेंगे सीधे घर। मैंने पहले से आपको पूरा बता दिया है तो आप हमारे साथ बने रहिए। और जंप भी बहुत हैं और बारिश चालू हुई है, अभी हल्की हल्की चालू हुई है। जब हम मीटिंग में थे तब ज़्यादा थी पर अभी नॉर्मल हो गई है इसलिए कोई नहीं। फिर ऐसी ऐसी रहे तो हम अच्छा यानी रास्ता एंजॉय करते करते जा सकते हैं। हाँ मॉर्निंग में तो आपने देखा ही होगा यार क्या गजब का था, नहीं बहुत शानदार। मेरे को तो ये लग रहा था आपको ड्रोन लेके आना पड़ता उड़ाते, क्या मस्त मज़ा आता, पर टाइम ही नहीं था इतना, कहाँ ड्रोन उड़ा है। क्या मौसम हो रहा है, इधर है बादल इधर है धूप और आ रही है फुल बारिश, फुल धूप है यानी फुल धूप। सूर्य देवता भी आपको दिख रहे होंगे। क्या मौसम है, प्रकृति भी क्या नियम बदल रही है फटाफट। वाह फुल बारिश फुल बारिश फुल बारिश, बादल आप देख सकते हो अब यहाँ तक है, यहीं तक बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। आगे उदयपुर बारिश नहीं है शायद, अब देखते हैं क्या होता है जाते जाते कि कहाँ तक मिल रही है बारिश। और अभी जस्ट यानी बिजली हमारी गाड़ी के आगे यानी इतनी नीचे तक बिजली आई, शायद टाइम लैप्स में के रिकॉर्ड भी हुआ होगा क्योंकि गोप्रो चालू है। अरे यार क्या यानी सच बोलूँ इतने ज़्यादा डर रहे हम इतने, और परमानेंट बादल गरज रहे हैं, गाड़ी पैक है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही, बाकी परमानेंट गरज रहे। और ये उधर साइड है धूप और उधर है देखो बारिश। मौसम देख रहे हैं आप कितना जोरदार हो रहा है भाई, सच में यार बहुत मस्त लग रहा है, मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा। ऐसा तुमने कब देख लिया ये भी बता दो। इतना जोरदार हुआ, ओ बाप रे मैंने तो इधर देखी नीचे, बाप रे मेरे को तो इतनी ऑलरेडी बहुत डर लगती है। बाप रे क्या बिजली ने डरा है अभी, यानी मैंने तो मेरे आंखों से देखी है ना जमीन के आसपास कहीं गिर रही है ऐसे तो ये बिजली। बाप रे मैंने तो वो वाली देखी थी, मुझे जोरदार डर, मुझे तो वो भी देखी। अरे आगे कितना काला हो गया अभी। हां वो देखना यूज किया वो, ये क्या है ऐसा, ये तो और डर है। आप पैसे ले लिए ना, इसके पास पावर आ गया। उधर बादल गिर रहे हैं, बारिश गिर रही है, तेज बारिश है उधर, दिख रहा है ना। हाँ पूरा क्लियर दिख रहा है, जबरदस्त जबरदस्त, क्या मस्त डर लगती है। हाँ मेरे को भी डर लगती है। हाँ वही तो यार, बहुत तेज बारिश है, बहुत ज्यादा तेज, धूप फुल और ऊपर से चद्दर ओढ़ी हुई है देखो। इतना ज्यादा काला हो गया है आसमान, यानी यूं लग रहा है ये हमारे साथ में चल रहा है। और सच में डरावना ही मौसम हो गया एकदम।
पर वो बिजली जो गिरी ना, बिजली जो गिरी है हमने, यानी तीन बिजलियां हमारी आंखों के सामने गिरती हुई देखी। ये बादल के नीचे से फटाफट निकल जाए। हाँ, मेरे को भी यही हो रहा है, भी यही हो रहा है। मेरे को भी यही हो रहा है, बादल के नीचे से फटाफट से निकल जाए बस। बादल खुल गया उस जगह पे। ये तो मार्वल का सीन लग रहा है। ऊपर ऊपर क्लियर स्काई दिख रहा है। बस ये निकलने वाले हैं अपन भी बादल के नीचे से। साइड ग्लास में क्या ऐसे भी दिख रहा है, जोर काला है, यानी ऊपर ये पूरा ऊपर गोला गोला किसने रख दिया है सब। अभी आगे उजाला आ जाएगा। बस अब निकलने वाले हैं इन बादलों के नीचे से। बहुत ज़्यादा डरावना, यानी एकदम हॉरर मूवी जैसा सीन हो गया था हमारे साथ तो। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगती है जब, यानी मेरे को बिजली से ही ज़्यादा डर लगती है। लगी लगती सबसे है पर बिजली नहीं लगती थी। ये तू डरती हुई ना तब से मेरे को। तुम यूँ कहते हो कि छिपकली से मेरे को पहले डर नहीं लगती, तुम डरती हो तब से डरता हुआ। अब तो खत्म हो गया डर मेरा। लॉकडाउन में इतनी छिपकलियाँ निकाली है चिकू ने घर से जिसकी कोई हद नहीं है। बस ये आसमान हो गया क्लियर, हम जा रहे हैं बस। अभी आ गए हैं हम सेलिब्रेशन मॉल और यहाँ पर करेंगे हम हमारा डिनर। डिनर करके फिर आपसे मिलते हैं। अभी अब मैं लेके जाऊँगी अंदर तो गोप्रो, क्योंकि मैं बड़ा कैमरा लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी लोग घूर घूर के देखते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है इसलिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। लंच वगैरह हमने कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं उदयपुर से। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं इसलिए कुछ भी मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ। तो बस अब जाएंगे दीदी के घर पे और दीदी से मिलके और फिर निकल जाएंगे ऋषभ देव के लिए। अभी लगभग बज गई है 8, तो चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम अभी ऋषभ देव यानी आने ही वाले हैं, टाइम थोड़ा सा बाकी है, पर उदयपुर से ऋषभ देव के बीच में नॉन स्टॉप बिजली कड़क रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं भी आपको दिख नहीं रही होंगी और ये आप देख सकते हो बिल्कुल गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश। देख ही नहीं रहा है कुछ भी, बहुत ज़्यादा बारिश है। और अंदर की लाइट में चालू इसलिए नहीं कर रही हूँ, फिर चिकू को नहीं दिखेगा रोड इसलिए। और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बिजली भी कड़क रही है। हम आ गए घर पे और बहुत ही ज़्यादा यानी थक गए हैं। और आपने इनको वीडियो में तो शायद बिजली कड़कती हुई दिखी होगी, पर एक जगह पे बिजली गिरी है वो भी रिकॉर्ड हुआ है, पर वो शायद क्लियरली इतना दिखा नहीं है क्योंकि गाड़ी जल्दी में, गाड़ी फास्ट थी और वो यानी कैमरे में जस्टिफाइड नहीं हुआ है वो चीज़। हमने लाइव आंखों से देखा, इतना ज़्यादा भयानक था वो। और सच में आज का दिन यानी कहीं एक ना एक तरीके से मेरे लिए अच्छा भी था और ट्रैवल बहुत यानी डरावना था। सच में किसी हॉरर मूवी का यानी सीन चल रहा हो ऐसा चल रहा था। और मैं तो लिटरली गाड़ी में यानी प्रेयर करते करते आई हूँ क्योंकि आते समय हमको इतनी ज़्यादा बारिश मिली है, इतनी ज़्यादा यानी हमारा आना ही मुश्किल था बहुत ज़्यादा। एक टाइम तो चिकू भी बोलने लगे गाड़ी रोक देता हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे चलने दो, पहुँच जाएँगे तो अच्छा है, कहीं रुक गए तो और फंस जाएँगे। क्योंकि बारिश तो यानी यूज़ लग रहा था, बादल जगह जगह पे फट गए, यानी पानी गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। पानी का क्या यानी कोई स्पीड ही नहीं, कोई फ्लो यानी पता ही नहीं चल रहा है इतनी। और बारिश छोटी हो तो पता चले, इतनी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और हम थक भी काफ़ी गए, चिकू तो बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि ऋषभ देव से भिलवाड़ा है काफ़ी दूर, लगभग 500 किलोमीटर का हमारा आज के दिन का ट्रैवल हो गया है।
तो चिकू भी थक गए, मैं भी थक गई हूँ। तो आज इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और मेरी जो शॉप करो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको कर देना डाउनलोड, और मुझे कर देना इंस्टाग्राम पर फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे ब्लॉग में। बाय।